आज डिस्कस करते हैं एरोमा थेरेपी के बारे में। एरोमा थेरेपी क्या है और हमारे पहाड़ी क्षेत्र में पैदा किए जाने वाले जड़ी बूटियां और उत्तराखंड के जंगलों में प्रकृति के द्वारा वरदान स्वरूप दिए गए पेड़ पौधे जो एरोमा थेरेपी के काम आते हैं। इससे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रमा विष्ट स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एप्पल जोन रामगढ़ में। आइए मैं आपको एरोमा थेरेपी क्या है उसके बारे में बताती हूँ। एरोमा थेरेपी शब्द से ही उसके अर्थ परिभाषित हो रहा है। जैसे एरोमा सुगंध, थेरेपी चिकित्सा, जो सुगंध के द्वारा कई प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है उसे एरोमा थेरेपी कहते हैं। एरोमा थेरेपी कई प्रकार की जड़ी बूटियों के या पेड़ पौधों से उसके फूल, पत्ते, तने, छाल, जड़, उनसे कई प्रकार के अर्क, सुगंधित तेल और ड्राई पाउडर के रूप में और ड्राई पत्तों के रूप में या फूलों के रूप में हम जिनका प्रयोग करते हैं उसे एरोमा थेरेपी कहते हैं। यह कई प्रकार की बीमारियों के इलाज में काम आती हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। एरोमा थेरेपी प्राचीन काल से ही, राजा रानियों के काल से और हमारे महाभारत और रामायण में भी एरोमा थेरेपी का जिक्र किया गया है। जैसे लक्ष्मण को जब मूर्छा आ गई थी, संजीवनी बूटी, एक बूटी जो सुंघाई गई थी लक्ष्मण जी को, वह संजीवनी बूटी सुंघाई गई थी उनकी मूर्छा तोड़ने के लिए। जिस बूटी को सुंघाया गया उससे लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट गई थी। यह हमारे हिंदू धर्म में केवल एक कहानियों के रूप में प्रचलित नहीं है, वास्तविक रूप से भी इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इन सुगंध पौधों का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपका ध्यान आकर्षित करूँगी गंगा के जल की ओर। जैसे कि गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते, गंगा के जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते उसका भी कारण है, क्योंकि जहाँ से गंगा निकलती है उस क्षेत्र में कई प्रकार के जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे होते हैं, उनसे इतनी तेज़ एरोमा निकलती है, सुगंध, जिससे कि उसमें कीड़े नहीं पड़ते। इसी कारण से हमारे जीवन में हर्बल प्लांटों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इन एरोमा थेरेपी की सूक्ष्म जानकारी देने से पहले मैं आपको रूबरू कराती हूँ उन प्लांटों से जिनके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। आइए मैं ले चलती हूँ आपको अपनी हर्बल नर्सरी की ओर। यह है हमारा हर्बल गार्डन। यहाँ कई प्रकार की हब्स लगी हुई हैं जिन्हें एरोमा थेरेपी के माध्यम से, हम सुगंध चिकित्सा के माध्यम से, मतलब गंध ली जाती है जिनकी, और कई प्रकार के फूड में, साबुन में, फेस स्क्रब में, ऐसे कई प्रकार से हम इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं, जिससे कई प्रकार की हम बीमारियों से बच सकते हैं। प्राचीन काल में हमारे हिंदू धर्म में भी कई प्रकार की चिकित्साओं का वर्णन है, जिनमें गंध चिकित्सा अपनी एक विशेष भूमिका निभाती है। आज यह पद्धति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, इसलिए फिर से हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। ये है जापानी मिंट, इसे भी हम फूड में यूज करते हैं और खाने में यूज किया जाता है। और ये है अश्वगंधा। और सारी ही हब्सों के बारे में डिटेल से मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगी। ये है मार्जोरम, ये है मार्जोरम, और इसमें बीच में बीन्स लगा दी गई हैं। और ये है ओरेगानो, क्योंकि गर्मी की वजह से प्लांट सूख रहे थे तो हमने इसके बीच बीच में बना दिए हैं, बीच में बीन्स लगा दी। और ये सारे ही प्लांट बहुत अच्छे हुए हैं, बीन के साथ साथ ये हब्स भी बहुत अच्छी हुई है।
ये है एलोवेरा। एलोवेरा के छोटे प्लांट भी इस तरह से लगे हुए हैं, इसे हम अब गमलों में शिफ्ट कर लेंगे। ये है पार्सली और ये है च्यूब्स। यहाँ पे हमने डेमो के लिए रखे हैं। ये है अनार और ये है आंवला, अश्वगंधा और ये है सर्पगंधा, और इसी के साथ साथ खेतों वाली सर्पगंधा इस तरह से हो रखी है। ये है कपूर, कपूर के प्लांट, और ये है तेज पत्ता, ये है कड़ी पत्ता, ये मिंट, यहाँ पे लगी हुई है ये स्टीविया के प्लांट हैं, और फिर से ये कड़ी पत्ता, ये है तुलसी रामा बेसिल, और ये है लौंग तुलसी, और खेतों में इस तरह से लगी हुई है, आपको दिखाती हूँ। ये है पेपरमिंट, और खेतों में भी पेपरमिंट इस तरह से फैली हुई है। ये है रोजमेरी, रोजमेरी के प्लांट। यदि आप लोगों को किसी को रोजमेरी चाहिए होगी तो एप्पल जोन रामगढ़ से संपर्क कर सकते हैं विभिन्न प्रकार की हब्स के प्लांटों के लिए। ये तो है कैक्टस, कड़ी पत्ता, अश्वगंधा के बड़े प्लांट, और इसके साथ बीज भी तैयार हो रखा है। ये है लेमन ग्रास के प्लांट, और ये बहुत लंबी होने की वजह से हमने काट ली है, और खेतों में भी इस प्रकार से हमने लगा दी। मार्जोरम के प्लांट, कम ही प्लांट हैं मार्जोरम के। ये हैं पैशन फ्रूट प्लांट अवेलेबल हैं, और यहाँ पे रामा बेसिल, इसमें हमने ये पौध तैयार कर रखी हैं। जो अभी अभी लगाया था मैंने, कुछ प्लांट ख़राब भी हो रहे हैं, और कुछ मैंने इस तरह से पानी में डाल के लगाने की कोशिश की, जिन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ ले रखी है, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये इसमें रूट्स आ चुकी हैं, अब हम इनमें रूट्स आ चुकी हैं, आपको दिख रही होंगी ये वाइट वाइट रूट्स हैं, और इन्हें अब हम खेतों में लगा सकते हैं। ये सेज है, ये थाइम, और थाइम के साथ साथ ये है स्टीविया प्लांट, ये है हल्दी काली वाली जिसे पूजा के लिए भी यूज किया जाता है, ये है स्वीट बेसिल के पौधे तैयार कर रखे हैं, यहाँ पे इंडियन बेसिल होगी, ये है च्यूब्स, ये है पेपरमिंट, और यहाँ पे हमने बीच में रख दी थी स्वीट बेसिल। जो ये पौधे तैयार हो चुके हैं वो हैं स्वीट बेसिल के, पानी की कमी की वजह से सूख रहे थे पौधे, तो हमने इस तरह से यहाँ पर रख दिया, अब हम इन्हें खेतों में लगाएंगे। ये पूरी पेपरमिंट, ये है आर्टिमिसिया, इसकी एरोमा भी बहुत अच्छी है।
ये है सेज, इस तरह से फैली हुई है, इस तरह से ख़राब हो चुका है, इसको पानी नहीं मिल पाया बिल्कुल भी। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कीवी। पॉली हाउस से बाहर, पॉली हाउस से बाहर इस तरह से हब से तैयार हो चुकी है ये रोज जेरेनियम। ये है सेज, बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, ये देखिए सेज के प्लांट। और ये है कपूर, और यहाँ पर कपूर के छोटे पौधे भी हैं, और ये है रोजमेरी, और ये है तेज पत्ता, बहुत बड़ा हो चुका है रोजमेरी। इस तरह से छोटे प्लांट अभी खेतों में लगाए गए हैं। यहाँ पर कुछ पौधे फिर स्टीविया के, और ये है लेमन बाम। बाम पानी की कमी की वजह से पूरी सूख चुकी है, और जहाँ पर पानी मिला है वहाँ पर भी इस तरह से खिली हुई है। यहाँ पर खीरा ककड़ी लगा दी गई है, जिसमें आजकल छोटे छोटे खीरे लगे हुए हैं। ये पुलम, और ये बीन्स, ये है स्टीविया। ये है हमारी हर्बल नर्सरी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। किस तरह से हमने हर्बल प्लांट तैयार किए हैं, इन सारे ही प्लांटों के जड़, तना, पत्ते, फूल सभी का यूज किया जाता है, कोई अर्क के रूप में, तो कोई ड्राई पत्ते के रूप में, या कोई फूल के साथ, और ऑयल और स्पा सेंटरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से आप अंत तक वीडियो में बने रहें। आने नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रत्येक प्लांट की विस्तारपूर्वक अपनी जानकारी को आप लोगों के बीच में साझा करूंगी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के जंगलों में भी बुरांस, काफल, कई प्रकार के पेड़ होते हैं जो हमारे जंगलों में होते हैं, और ये सारे प्लांट इटालियन हर्ब्स जो हमारे खाने में यूज की जाती हैं, उनको मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रही हूँ। ये भी हमारे स्थानीय क्षेत्र में बहुत अच्छी ग्रो करती हैं, और हमें फिर से इस ओर जाना चाहिए। एक बार फिर से हमारा भारत आयुर्वेद की ओर लौट रहा है, हमें इन सारी चीज़ों की बेहतर जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को एक बहुत बड़ी समस्याओं से बचा सकते हैं, और पहाड़ों से पलायन जैसी चीज़ों को भी रोक सकते हैं। इन सारी ही हब्सों को हम यूज करते हैं अपने खाने में, फूड में, हम दाल चावल डेली नीड के चीज़ों में भी, जिन्हें हम डेली यूज करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, दाल चावल में, दाल में, इन चीज़ों में भी यूज कर सकते हैं। इसलिए हमें इन प्लांटों को विशेष तौर पर अपने घरों पर लगाना चाहिए, और इसको हम कुछ प्लांटों को कुछ के पत्तों को ड्राई करके भी, और किसी के साथ जड़ तने वीडियो समाप्त करती हूं को भी, और आशा करती हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो में बने रहें। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।